हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे पारंपरिक सेवई को नमकीन रूप में और ये बनाएंगे बिल्कुल चाउमीन स्टाइल में। दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के खिला खिला सा लग रहा होगा, खाने में भी ये उतना ही अच्छा था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को लो फ्लेम पर रख दिया है और सरसों का तेल थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। मैंने शो किया था अभी आपको एक पैकेट सेवई, तो वो एक पैकेट का सेवई मैं कट करके इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को अभी हमने बिल्कुल लो रखा है और उसके बाद 5 से 6 मिनट तक हमें सेवइयों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। कंटिन्यूसली आपको चलाना है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ नहीं किया है और ये कास्ट आयरन का यूज़ किया है, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना पड़ता है, बहुत ही जल्दी कोई चीज़ इसमें भून जाती है। तो ये देखिए हल्का सा कलर इसका पिंक कलर आना शुरू हो गया है, तो बस कंटिन्यू आप इसको चलाइए और ये अच्छे से भून के तैयार हो गया, ये देखिए। तो बस यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और कढ़ाई को खाली कर दी और सेम कढ़ाई में मैंने 2 कप के लगभग पानी डाल दिया है। तो उस पूरी सेवई मेरी 1 कप के लगभग थी, तो यहाँ 2 कप मैंने पानी डाल दिया और पानी को उबलने देना है हमें। और जब पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा तो उसमें हम अपनी भुनी हुई सेवई डाल देंगे। तो आपने सोचा होगा कि सेवई को भूनना क्यों है, तो जितना भी हम सेवई को भूनेंगे ना, भूनने से वो चिपचिपा नहीं बनेगा। जब आप बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि सेवई हमारी बहुत ही खिली खिली सी बनती है। तो यहाँ पानी हमारा उबल गया है, अब इसमें मैंने भुनी हुई सेवई डाल दी है और इस सेवई को हम मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स बॉयल करते टाइम कि इसको आपको पूरा नहीं उबालना है, थोड़ा सा ये हल्का सा कच्चा रह जाए ना तभी आपको फ्लेम को ऑफ़ करना है। तो जब ये उबलना शुरू हो जाए 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इसको बॉईल होने में, क्योंकि इसको हमने भूना होता है, तो इसको आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमारा सेवई अच्छे से भून गया था और यहाँ मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। ठंडा पानी डाल करके जैसे हम लोग चाउमीन को धुलते हैं ना, तो इसको हमें केवल एक पानी धुलना है। और इसको देखिए इस तरीके से मैंने ठंडा पानी डाल करके इसको ऐसे निकाल दिया है और ये बहुत आराम से ऐसे निकल गया। और इसको थोड़ी देर करके हम इसको पानी निथरने तक के लिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए सेवइयाँ हमारी निकल चुकी हैं। अब इसको मैं एक दूसरे बाउल के ऊपर रख दूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकला उस बाउल के अंदर ही जाए। और यहाँ तब तक के लिए मैंने यहाँ पे सब्जियाँ कुछ कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्याज है, 2 प्याज है, हरी मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च है, जिसे मैंने पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था। अब यहाँ कढ़ाई में हमने फिर से तेल डाल देना है। सेम कढ़ाई मैंने यूज़ किया है, बहुत सारे बर्तन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत सारे बर्तन नहीं करके अपना काम बढ़ाना चाहती हूँ। तो यहाँ उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे, इसके गर्म होने पे डाल देंगे राई। तो इसको थोड़ा सा देसी स्टाइल में भी बनाते हैं, राई का तड़का, करी पत्ते का तड़का बस लगा देना है। तो अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था मैंने, क्योंकि राई का छौंक लगाने से राई बहुत तेज़ फैलने लगती है। तो राई और करी पत्ता का छौंक लगने के बाद मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है। प्याज डालने का वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया मुझसे, नहीं शूट हो पाया। और प्याज को हमें हल्का सा भून लेना है। जब प्याज भून जाए तो उसमें आपको डाल देना है हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल करके थोड़ा सा हम प्याज और मिर्च को अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे गाजर। गाजर को थोड़ा सा पकने में ज़्यादा समय लगता है, पत्ता गोभी तो फिर भी जल्दी पक जाती है। तो पहले मैंने गाजर को डाला था, अब डाल दूँगी पत्ता गोभी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें कुछ सेकंड्स चलाने के बाद अब हमें डाल देना है लास्ट में शिमला मिर्च को। तो यहाँ पे कुछ सेकंड मैंने इसको चला लिया है और अब हमें शिमला मिर्च को डाल देना है और डाल करके इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जियों का कच्चा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर तक पकाइएगा। मैंने इसे हल्का सा कच्चा ही रहने दिया है, तो इसको भून करके मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो कुछ मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल दिया और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो इसमें मैंने अपनी जो उबली हुई सेवइयाँ थी वो डाल दी है और डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को एकदम हाई कर देना है, तब अच्छे से सेवइयों को मिक्स करना है। कुछ सेकंड चलाने के बाद यहाँ पे अब हमें डाल देना है इसमें नमक। थोड़ा सा नमक आपको डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तो इसको काली मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था मिक्सर में
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाउमीन स्टाइल इसको देने का कोशिश किया है, तो मैं यहाँ पे गरम मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सोया सॉस, आप चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी थोड़ा ही डाला है। और इसमें डाल देंगे हम आधा ढक्कन के लगभग विनेगर डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी ऑलमोस्ट सेवई लगभग तैयार होने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली बनती है, बिल्कुल भी चिपकी चिपकी सी नहीं रहती है। तो यहाँ पे धनिया पत्ती से इसको हमें गार्निश कर लेना है। ये देखिए हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने सर्व कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली खिली बनी है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। तो मेरी वीडियो ये वाली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।